फ्रेंड्स, कभी कभी जब आप अपने मोबाइल में कोई न्यूज वगैरह पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई आर्टिकल वगैरह या फिर कोई कविता वगैरह कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो जब आपको अच्छा लगता है तो उसको आप जो अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसका स्क्रीन शॉट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब काफ़ी लंबा पेज होता है तो उसका स्क्रीन शॉट लेने में आपको दिक्कत होती है, तो कई पार्ट में आपको उसको स्क्रीन शॉट लेना पड़ता है। जैसे 10-12 पेज, जितना 10-12 बार में आप उसका स्क्रीन शॉट ले पाते हैं, क्योंकि जब लंबा पेज होता है तो दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, उससे आप सिर्फ एक ही बार में, चाहे जितना लंबा जो है पेज होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट आप सिर्फ एक ही बार में बहुत आसान तरीके से ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नारी दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, इसको आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो गूगल का सर्च बार है, यहाँ पर आपको टाइप करना है लॉन्ग शॉट। दोस्तों, लॉन्ग शॉट लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन दिख जाएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, अब इसको हम सिंपली ओपन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसे ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये अलाउ का ऑप्शन आता है, अलाउ पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे मैंने अलाउ पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ऑटो स्क्रॉल का, जहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप चेकबॉक्स पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लॉन्ग शॉट का ऑप्शन दिखेगा, जो कि फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग शॉट का ऑप्शन है ये ऑफ दिख रहा है, तो आपको इसको ऑन करना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो देखिए ये वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। अब फ्रेंड यहाँ पर बैक कर देते हैं हम। जैसे बैक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए चेकबॉक्स जो है, यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल के पहले जो चेकबॉक्स था वहाँ पर सही का मार्क आ गया है। अब फ्रेंड यहाँ पर जो ये वाला लोगो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट और कैंसिल का दो बटन आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे बैक आ जाना है। उसके बाद आपको वो वाला एप्लीकेशन या वो पेज खोल लेना है जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर मैं एक पेज खोल ले रहा हूँ जिसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जो कि काफ़ी लंबा पेज है जिसका स्क्रीनशॉट एक बार में नहीं लिया जा सकता, काफ़ी लंबा पेज है। तो इसके लिए हम इस एप्लीकेशन की मदद से जो है बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको जो यहाँ पर जो आप स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टार्ट और कैंसिल का, तो इसमें से स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो स्क्रीनशॉट है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ये अभी देखिए ले रहा है ऑटोमेटिकली, अभी स्क्रीनशॉट पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर पूरा हो गया और ऊपर सेव का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर सेव पर आपको क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपके मोबाइल में। जब ये सेव होगा तो आप इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। अभी देखिए इसको आप जैसे जूम करेंगे तो ये पूरे अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा का पूरा आ गया है और आप इसको जूम करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको जो है अपने फोटो में स्क्रीनशॉट जहां पर सेव हुआ है वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड यहां पर देखिए ये स्क्रीनशॉट जो कि सेव हुआ है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। अब आप इसको जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतना अच्छे से पूरा देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए यहां पर देखिए अभी हम जूम करते हैं तो ये देखिए जो है बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इतने लंबे स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल में आसानी से ले सकते हैं और जिसके पास शेयर करेंगे और वो जूम करके पढ़ेगा तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई ये कैसा है, कैसे आपने इतने बड़े पेज का या ऐसे स्क्रीनशॉट आसानी से ले लिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप बहुत आसान तरीके से चाहे जितना लंबा पेज हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।